तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्लान बता रहा हूँ जिसमें आप बहुत ही कम रुपए में बहुत ज़्यादा डेटा आप पा सकते हैं। और इस प्लान को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं यहाँ आपको एक इतनी कम कीमत में प्लान बता रहा हूँ जो आप यकीन नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए 16 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पर डे 100 GB डेटा मिल रहा है, वो भी हाई स्पीड में, 30 MBPS की स्पीड में आपको 100 GB से ज़्यादा डेटा पर डे 16 रुपये के खर्चे पे मिल रहा है। तो ये प्लान जो है ये, इसके बारे में आइए हम डिटेल से जानते हैं। ये जो प्लान है ये जियो फाइबर का प्लान है जो कंपनी ने लॉन्च किया है। अब बहुत से शहरों में इनका प्लान अवेलेबल हो गया है और कनेक्टिविटी भी अच्छी दे रहे हैं। अभी सबसे जो कम इनका प्लान है वो 399 का है, जिसमें टैक्स वैक्स मिला के, ये GST मिला के 450 से थोड़ा सा ऊपर का बैठता है। अब इस प्लान में ये आपको 30 MBPS की स्पीड में 3300 डेटा एक महीने के लिए दे रहे हैं। मैं यहाँ बता दूँ कि अनलिमिटेड क्या है, कि अनलिमिटेड तो है लेकिन 3300 GB डेटा जब आप एक महीने में यूज़ कर लेंगे तब उसके बाद आपकी स्पीड 1 MBPS की हो जाएगी, और जो अनलिमिटेड आपको मिलती रहेगी एक महीने के लिए। लेकिन 3300 GB डेटा भी बहुत होता है, आप यकीन मानिए, ये इतना होता है कि आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। 3300 GB डेटा का मतलब है 100 GB रोज आपको मिल रहा है, और वो भी हाई स्पीड पे। अब जो प्लान इन्होंने लॉन्च किया है अभी शुरू में, उन्होंने क्या किया है कि 1 मंथ का ट्रायल पैक चल रहा है। दो पैक है इनके जो एक महीने के लिए, दो प्लान है, एक 1500 का और एक 2500 का। 1500 वाले प्लान में आपको केवल फाइबर कनेक्शन देंगे, 2500 वाले प्लान में फाइबर कनेक्शन के साथ टीवी का सेटअप बॉक्स भी मिलेगा, जिसमें बहुत से आपको वेब चैनल्स भी मिलेंगे। अब 1500 का प्लान और 2500 का प्लान, दोनों का प्लान अलग अलग है। 1500 में एक 399 का है, दूसरा 699 का। इन दोनों में आपको टीवी का सेटअप बॉक्स नहीं मिलेगा, टीवी की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। हाँ, नेट आप 3300 GB तक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो 399 का प्लान है उसमें नेट की स्पीड 30 MBPS है, और जो 699 का प्लान है उसमें आपकी स्पीड लिमिटेड कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3300 GB डेटा की कैपिंग है, मतलब किसी भी प्लान में जब आप एक महीने के अंदर 3300 GB डेटा यूज़ कर लेंगे तब उसके बाद उसकी स्पीड 1 MBPS में अनलिमिटेड के लिए आपको एक महीने तक मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 100 GB डेटा रोज भी यूज़ करना एक बहुत बड़ी बात है। हो सकता हो कभी महीने में 2-4 दिन 5 दिन आप 100 GB से ज़्यादा यूज़ करें, हो सकता हो महीने में 5-7 दिन ऐसे हों जब आप 10-20 डेटा भी यूज़ ना कर पाएँ। तो ये बहुत एक अच्छा प्लान है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही रिजनेबल, और इससे पैसे भी बचते हैं। आप ये समझ लीजिए आपके पूरे घर के सारे कम से कम 42 मोबाइल के कनेक्शन इससे एक साथ रन हो सकते हैं। ये जो डिवाइस दे रहे हैं वो 42 मोबाइल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों नेटवर्क अवेलेबल हैं वाईफाई में, जियो फाइबर 4G भी अवेलेबल है, जियो फाइबर 5G भी अवेलेबल है। अभी मेरा मोबाइल थोड़ा सा एडवांस है तो इसमें दोनों नेटवर्क चल रहे हैं। अभी ये जियो फाइबर 4G से कनेक्ट है, और जैसे ही मैं जियो फाइबर 5G से प्रेस करूंगा ये जियो 5G से भी कनेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिएगा, अब ये जियो फाइबर 5G से कनेक्टेड दिखा रहा है। तो दोनों नेटवर्क है, 4G भी है, 5G भी है। अब ये 4G से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा लैपटॉप जियो फाइबर 4G से कनेक्ट होता है क्योंकि वो थोड़ा पुराना है, और मेरा एक मोबाइल है वो भी जियो फाइबर 4G पे अच्छा चलता है। जियो फाइबर 5G पे कुछ डिवाइसेस अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं, हो सकता हो कोई लैपटॉप ना चले, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। 4G इसलिए अवेलेबल है कि 4G पे आपको 30 से 60 MBPS की स्पीड 4G में मिलती है। 4G में याद रखिएगा 30 MBPS से 60 MBPS की स्पीड मिलती है, और 5G जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको 150 MBPS की स्पीड मिलने लगती है। 150 MBPS की स्पीड आपको 5G में अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप अगर 699 का प्लान लेंगे तो आप दोनों में चला सकते हैं। 4G में चलाते समय 30 to 60 MBPS स्पीड आएगी, और 5G में 150 MBPS की स्पीड आएगी। लेकिन जब आप प्लान लेंगे 399 का तो आपको 4G वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें 30 MBPS से 60 MBPS की स्पीड मिलती है। लेकिन मैं यहाँ 4G पे ही चलाता हूँ, और 4G पे ही मेरे मोबाइल बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से रन होते हैं। यहाँ पे YouTube तो चैनल इतनी तेज़ी से खुलता है, Facebook भी इतनी तेज़ी से खुलता है, वीडियो लोडिंग अपलोडिंग बहुत तेज़ी से होती है, और ये बहुत ही अच्छा फायदे का सौदा है। ये टीवी का सेटअप बॉक्स है जियो फाइबर का, और इसमें ये देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का है। जो 2500 का प्लान है उसमें ये अलग टाइप का मिलता है, ये थोड़ा छोटा मिलता है। 1500 वाले में थोड़ा बड़ा मिलता है, और 2500 वाले में थोड़ा ये छोटा मिलता है। ये टेबल पर रखा जा सकता है, ये इस पर जियो फाइबर चलेगा। और नीचे इसके मैं दिखा रहा हूँ, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये टीवी का सेटअप बॉक्स है, ये जो नीचे रखा हुआ है आप देख रहे हैं ये वाला। तो ये दोनों डिब्बे आपको इसी 2500 वाले प्लान में मिलते हैं, और इसी बॉक्स में दोनों आते हैं, जियो फाइबर और ये आपका टीवी का सेटअप बॉक्स, और HD चैनल सारे आते हैं। मैं ऊपर टीवी भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा HD चैनल आ रहा है, और क्लियरिटी बहुत अच्छी है, और साउंड भी बहुत अच्छी है, जिससे मैं इंडियन आइडल चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आएंगी 2500 के प्लान में, और 1 मंथ का ट्रायल पैक है तो 1 मंथ के लिए ये फ्री है, और उसके बाद इसमें 99
999 से फर्स्ट प्लान शुरू होगा जो 150 Mbps की स्पीड पे होगा, और टीवी के सारे चैनल्स मिलेंगे और सारे आपको वेब सीरीज भी मिलेंगी। और इसके बाद इसमें और बहुत से प्लान है, 150 Mbps की स्पीड का प्लान है जिसमें 999 आपको रुपए देने हैं, इसमें टीवी के सारे चैनल्स, सारे एचडी चैनल्स और साथ में वेब सीरीज मिलेंगी। ये आप लोगों ने देख लिया है, अभी 1 मंथ का ट्रायल पैक है, 2500 देके आप 1 महीने तक इसको ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, मतलब रिफंड दे सकते हैं, आपको 10-15 दिन में रिफंड आ जाएगा। इसी तरह एयरटेल का एक्सट्रीम भी है, उसका भी कुछ प्लान है, वो हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने मोबाइल में कौन सा नेटवर्क पकड़ता है। ये देखिए मैंने वाईफाई ऑन कर दिया है, वाईफाई ऑन करते ही ये अपने आप इसने 4G डिटेक्ट किया है, जियो 4G और जियो फाइबर 4G लिख के आ रहा है, और जियो फाइबर 4G को इसने कनेक्ट कर लिया है। इसमें 5G सपोर्टेड नहीं है तो 5G नहीं चलेगा, इसका मतलब ये सही है, इसमें दोनों तरीके के कनेक्शन हो सकते हैं, 4G पुरानी डिवाइस के लिए और 5G नई डिवाइस के लिए। फ्रेंड्स कुछ बातें कल रह गई थी तो उसको मैं फिर से आज आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये जो मशीन आप सामने देख रहे हैं, ये वॉल हैंग जो है, ये वॉल हैंग में जो रखी हुई है ये वाली मशीन, ये 1500 वाली मशीन है। ये 1500 रुपये के प्लान में आपको मिलेगी, जब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कह लीजिए या जिसमें आपको टीवी सेटअप बॉक्स नहीं मिलता है। तो ये आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब वाईफाई ऑन है इसका। और ये वॉल हैंग करने के लिए इसमें पीछे ब्रैकेट दिया हुआ है, ये देखिए ये वॉल हैंग है, यहाँ से स्क्रू करके इसको इस तरह से वॉल हैंग कर दिया जाता है। ये थोड़ी साइज़ में बड़ी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा पुराना मोबाइल है, और इसमें कौन सा पकड़ेगा, अभी वाईफाई कनेक्टर है, मैं वाईफाई मैंने ऑन कर दिया, वाईफाई प्रेस कर दिया, आप देखिए इसमें 5G का ऑप्शन नहीं है, जियो 4G कनेक्टेड हो गया। तो जियो 4G कनेक्टेड है इसका मतलब अगर पुरानी डिवाइस है तो 4G पे चल जाएगी, नहीं है तो 5G पे, जैसा मैंने पहले दिखाया था। मेरा एक मोबाइल है जिसमें 4G और 5G दोनों नेटवर्क आते हैं, तो ये जियो फाइबर 5G अगर हम लेना चाहें तो 5G पे चलाएं, 4G लेना चाहें तो पुरानी डिवाइस 4G पे चल जाएंगी। अब ये मेरा पुराना लैपटॉप है, मैं इसको पे देखिए आपको दिखा रहा हूँ कि इस पे 5G नहीं पकड़ेगा, 4G पकड़ रहा होगा, क्योंकि ये 5G इनेबल्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए जियो 4G आया, और जियो का और कोई ऑप्शन नहीं है, जियो 4G कनेक्टेड है ना। मैं अगर और भी सर्च करता हूँ तो जियो 5G इसमें दिखाता ही नहीं है, इसका मतलब ये जियो 5G पकड़ नहीं सकता है, ये 4G तक पकड़ेगा। तो अच्छी बात है, इसमें दोनों ऑप्शन है, आप जियो 4G भी सिग्नल है और जियो 5G भी है, तो जो पुरानी डिवाइस है वो जियो 4G पकड़ लेंगी, जो नहीं है वो जियो 5G पकड़ लेंगे।